आज हम लोग कवर कर रहे हैं लेक्चर नंबर 24। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म के, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी आपका कम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये सभी के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में। अब देखिए, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म, तो जेड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको बेसिकली हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं और जो पावर सीरीज एक्सपेंशन मेथड होता है उसका यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं, पहले पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो यूज किया जाता है वो पावर सीरीज एक्सपेंशन का एक्सपेंशन। ठीक है, ये दो मेथड यूज किए जाते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए। अब बेसिकली हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे जो आते हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं वो हमारा एक तरीके से मॉडिफाइड पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, मॉडिफाइड पार्शियल फ्रैक्शन का, अब यहाँ पे मॉडिफाइड पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा फंक्शन जेड के फॉर्मेट में दिया रहता है एक्स ऑफ जेड, ठीक है, उस केस में अगर हमारा जो टर्म है फैक्टर जेड टर्म हमारा अगर न्यूमिनेटर में होता है तो उस केस में हम फंक्शन को पहले कैसे लिखते हैं, मॉडिफाइड रूप में। मॉडिफाइड रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हमारा एक्स ऑफ जेड दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड करते हैं। ठीक है, एक्स एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड से सॉल्व करते हैं फंक्शन को, पहले एक्स जेड अपॉन जेड के फॉर्मेट में बना लेते हैं, उसके बाद उसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे। अब बात आती है कि पार्शियल फ्रैक्शन को करने के लिए कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो रेशनल जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो उसके पोल्स पर डिपेंड करता है कि उसकी पॉसिबिलिटी कितने टाइप की बन सकती है क्वेश्चन की। जैसे अगर हम बात करते हैं हमें, तो ये बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चन हमारे डिनोमिनेटर में हमारे पास हो सकते हैं। जैसे अगर फंक्शन हमारा हो सकता है कि सिंपल पोल में हो, सिंपल पोल्स में हो, ठीक है, या तो दूसरा जो होता है वो रिपीटेड पोल में पूछा जाता है, रिपीटेड पोल्स में, और तीसरा है हमारा होता है कॉम्प्लेक्स पोल, कॉम्प्लेक्स पोल्स। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका सिंपल पोल भी हो सकता है, रिपीटेड पोल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स पोल भी हो सकता है। तो इनका हम पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन देखे जाते हैं वो सिंपल पोल से या रिपीटेड पोल्स क्वेश्चन देखे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स पोल से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर हम बात करें सिंपल पोल से, सिंपल पोल से क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर एक्स ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस 0.5। तो आपसे पूछेगा एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन कैलकुलेट करिए, ठीक है, एवेलुएट करिए, इफ आर ओ सी, आर आर ओ सी जो दिया जाएगा वो है हमारा आर ओ सी मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन, दूसरा आर ओ सी मॉड ऑफ जेड लेस देन 0.5। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, यानी कि एक्स ऑफ एन के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारे पोल हैं ये कैसे पोल हैं, इसमें जो पोल हमारे जेड के फॉर्मेट में दिए गए हैं डिनोमिनेटर में कैसे हैं, सिंपल पोल हैं। ठीक है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन इसको करेंगे, ये हमने क्या बताया इसमें मॉडिफाइड रूप में, मॉडिफाइड रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मॉडिफाइड फ्रैक्शन पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड करेंगे। ठीक है, अब ये एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड, तो फंक्शन हमारा क्या है, एक्स ऑफ जेड है, तो सिंपली आप क्या करोगे इसको, जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या दिया गया है, जेड माइनस वन और जेड माइनस फाइव, तो जेड माइनस वन और जेड माइनस फाइव पॉइंट फाइव और अपॉन में जेड, ये हो जाएगा एक्स जेड अपॉन जेड, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से एक जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस 0.5, ये होगा। बताइए इतनी बात समझ में आई। अब इसका हम क्या कर लेंगे, इसका हम कर लेते हैं
पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं जेड माइनस वन प्लस बी जेड माइनस 0.5 हो सकता है। तो फंक्शन हमारा दिया है एक्स जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए अपॉन जेड माइनस वन प्लस के बी अपॉन जेड माइनस 0.5, ठीक है, यदि बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब देखो, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे रख देते हैं तो आप यहाँ से फिर हमारा क्या एक फॉर्म बनेगा आगे, तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन। अब बात आती है जो पार्शियल फ्रैक्शन का एक जनरल मेथड होता है कि आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेकर इसका मल्टीप्लाई करो, फिर इसको कंपेयर करो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, लेंथी प्रोसेस होता है। एक हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, आसान सा तरीका, जिससे ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमको क्या निकालना है, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए जो भी ए के डिनोमिनेटर में पार्ट होता है उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन होता है एक्स ऑफ जेड, फंक्शन क्या है एक्स ऑफ जेड, ये पूरा फंक्शन उसको लिखेंगे तो एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड ये हो जाएगा। और जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होता है, जो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में, उससे हम क्या निकाल लेते हैं, जेड के पोल निकाल लेते हैं, जेड की वैल्यू क्या होगी, वन, ठीक है, जेड माइनस वन करके इक्वल टू जीरो, यहाँ से जेड की वैल्यू क्या होगी, वन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जेड की वैल्यू पोर्ट करेंगे वो क्या करेंगे, वन। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जेड माइनस वन और एक्स ऑफ जेड जो हमने कैलकुलेट किया है वो क्या है हमारा फंक्शन, यही फंक्शन है, बताइए, तो इसको हम लिख लेते हैं इंटू जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस 0.5, देखिए जेड माइनस वन जेड माइनस वन कैंसिल आउट, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या करेंगे, वन पुट करते हैं, तो यहाँ पे वन, ये क्या होगा, माइनस 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन 0.5, यानी कि सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ से कैलकुलेट होकर क्या आएगी, टू आ जाएगी, बताइए, इतनी बात क्लियर है। ऐसे सिंपली हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए बी की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे बी है ये, तो इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे ऐसे ही मल्टीप्लाई में 0.5 इंटू एक्स ऑफ जेड, जो भी फंक्शन हमारा होगा वो हम लिखेंगे, यानी ये फंक्शन है, तो सिंपली इसको क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड, ठीक है, यानी कि फंक्शन क्या है ये। अब इसके लिए सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये वाला फंक्शन लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा 0.5 इंटू जेड अपॉन जेड माइनस वन और जेड माइनस 0.5, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जेड अपॉन जेड माइनस वन, और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हुई, तो जेड की वैल्यू जो हमारे यहाँ पार्ट होता है उसी का हम निकालते हैं, जेड माइनस 0.5 इक्वल टू जीरो, यानी जेड की वैल्यू 0.5 लिखेंगे यहाँ, तो 0.5 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो सिंपली बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.5 अपॉन 0.5 माइनस वन, तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा 0.5 और माइनस के 0.5, ठीक है, तो सिंपली कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, माइनस वन, तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस के वन। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से आसानी से शॉर्ट तरीके से क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ा इतनी बात समझ आ सके। अब जो भी ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उसको हम वैल्यू रख देते हैं, तो फंक्शन हमारा क्या है, देखिए एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू, एक ही जगह पर हमने क्या रखा है, एक ही जगह पर टू, तो सिंपली टू अपॉन जेड माइनस वन क्या हो जाएगा, टू अपॉन जेड माइनस वन माइनस के वन, बी की जगह क्या है, माइनस वन, जेड माइनस 0.5। आप सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ जेड, जेड को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो टू जेड अपॉन जेड माइनस वन माइनस के जेड अपॉन जेड माइनस 0.5, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये कहीं ना कहीं किसी का आपका क्या है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पे, देखिए इनवर्स ट्रांसफॉर्म, अब इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो देखिए जेड अपॉन जेड माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन जेड माइनस वन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए सिंपली इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वन माइनस जेड इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि यही आपका कैलकुलेट हो गया आता है, वन माइनस वन अपॉन जेड करेंगे तो ये जेड अपॉन जेड ऊपर चला जाएगा, जेड जेड माइनस वन यही तो कैलकुलेट हो गया आएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बताइए आप, चलो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम देखिए ऐसे लिखेंगे टू अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन माइनस 0.5 जेड इनवर्स, ये होगा कि नहीं होगा, बताइए एक्स ऑफ जेड हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स का इनवर्स ला जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो हम जानते हैं कि इसका क्या होता है, यू ऑफ एन होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए, जबकि वन अपॉन वन माइनस 0.5 जेड इनवर्स का क्या होगा, तो इसका हम जानते हैं क्या होगा कि 0.5 पावर एन
u ऑफ n, ये होगा कि नहीं, तो इसमें भी हम इसकी वैल्यू देते हैं, तो ये क्या होगा x ऑफ n ये 2 अपॉन 2 u ऑफ n माइनस के 0.5 n u ऑफ n, ये कैलकुलेट होके आएगा। बट याद रखना है ये कैलकुलेशन हमारी तभी आएगी जब हमारा आर ओ सी क्या होगा, पहला वाले क्वेश्चन में क्या हमने बताया, जब आर ओ सी क्या होगी, मोड ऑफ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मोड ऑफ ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, जो भी फंक्शन होगा हमारा, मोड ऑफ ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, जो पोल्स होंगे वो पोल्स हमारे क्या होंगे, आउटसाइड होंगे, आउटसाइड होते हैं ठीक है यूनिट सर्कल के। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा किसका सोल्यूशन होगा, मोड ऑफ ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ आ गई। तो ये हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं ये कॉजल सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम इसको क्वेश्चन को अगर मोड ऑफ लेस देन 0.5 के लिए कैलकुलेट करें, जो कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये यहाँ पे ये देखिए, तो इसके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सिंपली हमारा क्या चेंज हो जाएगा, केवल हमारा सिस्टम जो है फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन है वो हमारा सिर्फ चेंज होगा और सेम रह जाएगा। तो क्या होगा एक्स ऑफ एन इक्व टू टू ऑफ, देखो हम किसके किस तरीके से लिख सकते हैं, तो टू माइनस के यू और माइनस एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन होता है जेड लेस देन वन के लिए होता है, क्या होगा ये जेड लेस देन वन के लिए होगा ये वाला फंक्शन, इसके लिए सॉरी इसके लिए। ठीक है, ऐसे ये वाला जो फंक्शन होगा ये किसके लिए होगा, मॉड लेस देन 0.5। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हम सिंपली हम कह सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं जब लेस देन 0.5 होगा तो उसके लिए लिखिए, इसके लिए लिख देते हैं इसको माइनस के 0.5 पावर एन और यू ऑफ माइनस के एन वन। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कैलकुलेट होके आता है। तो सिंपली जो आपको देखना है आर ओ सी के बेसिस पे ही हम देखते हैं, अगर लेस देन वन है या 0.5 से वन है तो हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, और ग्रेटर देन वन है तो वो हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, इसका कैलकुलेट होके आ जाता है। बताइए इतनी बात क्लियर है सबको। तो इस तरीके से बेसिकली आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये आपको इस तरीके से आपको फंक्शन दिया जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे उसका मॉडिफाइड पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर उसको सिंपली आप जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इतनी बात समझ आ गई सबके, बताइए ऐसे। देखिए एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, फिर हम इसके दूसरे टाइप पे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा इस तरीके से एक्स ऑफ जेड वन प्लस जेड इनवर्स वन माइनस जेड इनवर्स पावर स्क्वायर और उसी जो है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो आपको क्या डिटरमाइन करना है, आगे लिखना है इफ एक्स ऑफ एन इज ए कॉजल causal one then determine the inverse z transform, inverse z transform transform of xz। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन दिया गया है। अब इसमें भी आपको सिंपली क्या करना है, आप ट्राई करिएगा इसको, इसमें आप सबसे पहले इस फंक्शन को z के फॉर्मेट में बना लीजिए, z के फॉर्मेट में बनाएंगे तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन जेड लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस फंक्शन को, और इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वन अपॉन जेड का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, बताइए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा, तो इस कैलकुलेशन करने पे हमारा क्या आएगा, एक्स ऑफ जेड इक्व टू जेड क्यू अपॉन जेड प्लस वन और जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन कैलकुलेशन करके आएगा। आप इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड के फॉर्मेट में करेंगे तो ये क्या फंक्शन होता है, हो जाएगा जेड क्यू अपॉन जेड और जेड प्लस वन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, एक जेड से जेड यहाँ कैंसिल आउट, तो ये फंक्शन क्या बनेगा आगे, तो एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू जेड जेड प्लस वन यहाँ का स्क्वायर हुआ और जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। बताइए आप सिंपली आप इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा इसमें से, तो आप देखो ऐसे लिख सकते हो एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड इक्व टू ए अपॉन जेड प्लस वन बी अपॉन जेड माइनस वन स्क्वायर प्लस सी अपॉन जेड माइनस वन।
आप इसको आप सिंपली क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हमारा एक फॉर्मेट बनेगा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगर डी की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो क्या करेंगे, की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जेड प्लस वन और फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ जेड, एक्स ऑफ जेड हमारा क्या हुआ ये है, तो एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड, ठीक है, ये एक्स ऑफ जेड है तो इसको जेड प्लस वन और एक्स एक्स जेड अपॉन जेड क्या हमने निकाला है, तो ये क्या निकाला है हमने, ये है कि नहीं, तो ये वाला फंक्शन हम क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे, जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, यही है। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, तो जेड प्लस वन और ये हमारा क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देखिए जेड प्लस वन और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जब जेड जेड देखिए जेड प्लस वन जीरो, जेड की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन मिलेगी, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, जब इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या होगी निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो कहीं ना कहीं ए की वैल्यू हमारी यहाँ से कैलकुलेट होगी 1/4 और बी की वैल्यू ऐसे ही निकाल लेंगे तो 1/2 और सी की वैल्यू हम निकालते हैं तो सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 3/4 आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा। अब जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1/4 आई थी और बी की वैल्यू यहाँ पे जेड प्लस वन, बी की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गया 1/2 जेड माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3/4 सी की वैल्यू है जेड माइनस वन, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया। आप समझिए आप क्या करोगे, जेड से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो ये फंक्शन बनेगा हमारे 1/4 और जेड प्लस वन यहाँ पे जेड प्लस 1/2 जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और जेड अपॉन जेड माइनस वन, ये सॉल्व हो गया आएगा। जब आप इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू क्या निकलेगा बताइए। तो जब आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया आएगा 1/4 और माइनस वन टू पावर वन एन यू ऑफ एन प्लस के 1/2 एन यू ऑफ एन प्लस के 3/4 यू ऑफ एन, ये सॉल्व हो गया जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपने पिछले क्लासेस को फॉलो किया होगा। ठीक है, आप इसको आपको पहली बार अगर आप दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इसको आप करने में थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से हम बेसिक फंक्शंस का किस तरीके से इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट होके आता है। तो कोई भी फंक्शन है हमारा तो जेड ट्रांसफॉर्म इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको वास्तविक फ्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। चलिए आज हम लोग बताए रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एक टाइप ये हो गया आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का, एक दूसरा टाइप होता है उस टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज इतना करते हैं, और बहुत धन्यवाद सभी लोग जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।